talk about life at Galgotia's, a day in my life in Galgotia's University. So अभी चलते हैं मेट्रो, क्योंकि मैं पहले मेट्रो से जाती हूँ, और तो चलते हैं बिकॉज मैं हमेशा लेट होती हूँ थोड़ी बहुत, और मैं आज भी लेट हूँ. माई रीच बल हेलो एवरी वन, दिस इज मुस्कान सैन, वेलकम टू माई चैनल. और आज हम बना रहे हैं ब्लॉग ऑन अ डे इन माई लाइफ इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी. सो अंदर चलते हैं, यहाँ से सबका दिन स्टार्ट होता है. चलते हैं कॉलेज में, और सबसे पहले हम चलेंगे ए ब्लॉक में. सो मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, और हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं. सो ए ब्लॉक में पहले चलेंगे, फिर बी, फिर सी ब्लॉक है, और एक बॉयज़ हॉस्टल है, डी ब्लॉक, और एक और ब्लॉक बन रहा है, और उसके बाद है कैफेटेरिया, वहाँ चलेंगे, क्लासेस दिखाएँगे आपको, लाइब्रेरी दिखाएँगे, और वहाँ पर एक मूर्ति दिख रही है वो दिखाएँगे. सो आ जाओ. हमारी ए ब्लॉक की लिफ्ट है, चार लिफ्ट है, और हमारे चार या पांच पांच फ्लोर है, और यहाँ पे आप अपने बैग रख के लाइब्रेरी जा सकते हैं. तो यहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ता है, आप यहाँ बुक्स अपने ले सकते हो. हमारा ए और बी ब्लॉक के बीच का, और यहाँ से हम जाते हैं कैफेटेरिया. आपको कैफेटेरिया दिखाते हैं. और यहाँ पे आपको सब तरह के खाने को मिल जाएंगे, लाइक चाइनीज़ हो गया, साउथ इंडियन हो गया, और पेटी, समोसा, एवरीथिंग, और सारे बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं. यहाँ पे अभी दो जो थे स्टॉल्स, उनमें थोड़ी
आग लग गई थी, एक्सीडेंट हो गई थी, तो वो भी बन रहा है। तो ये है बी ब्लॉक। मेरी एडमिशन ऑफिस है, यानी कि कोई भी आपको काम जो है एडमिशन से रिलेटेड है तो आपको बी ब्लॉक में एडमिशन ऑफिस जाना पड़ता है एडमिशन से। और यहाँ पे कुछ तो इन्होंने नया लगा रखा है, आई डोंट नो क्या है। बी ब्लॉक का लाइब्रेरी, अब हम चलते हैं सी ब्लॉक। चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक डी। और बॉयज़ हॉस्टल में वहाँ पे आपको कपड़े धोने, लॉन्ड्री जो है उसकी आपके पास है, और म्यूजिक रूम, डांस रूम, और भी ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं बॉयज़ हॉस्टल में, और गेम्स के भी हैं बहुत सारे, और ये भी प्लेग्राउंड में आप आके खेल सकते हो अगर आप बॉयज़ हॉस्टल में रहते हो। ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा स्टेज है, यहीं पर बहुत सारे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं।